नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। अभी नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन बचे हैं आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, चिल्ड्रन थिंकिंग ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड, यानी जो प्री ऑपरेशनल चरण में जो बच्चों की सोच है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपका है सेंट्रेशन, इवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, इगोसेंट्रिज्म। इसमें आपको बताना है जो प्री ऑपरेशनल थिंकिंग होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन पर पहले भी आपको अपनी वीडियो में जीन पीरियड की थ्योरी में बता भी चुकी हूँ। इसमें आपका सेंट्रेशन है और इवर्सिबिलिटी है और कंजर्वेशन है, यानी इसमें जो है जो मतलब कि क्रिया संबंधी ज्ञान, संख्या संबंधी ज्ञान, कुछ ऐसी जो क्रियाएँ होती हैं उसमें ये चीज़ें जो है करने लगता है। तो इसमें जो क्रियाएँ होंगी आपकी, जो इसमें आंसर होगा वो आपका होगा ए, बी और डी, यानी सेंट्रेशन, इवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन। नेक्स्ट आपका आता है मेमोरी स्ट्रेटजीज यूज टू स्टोर एंड रिटेन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स इंक्लूड। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि जब विद्यार्थी काल होता है, स्कूल ईयर्स जो होता है विद्यार्थी काल के दौरान, जो याददाश्त होता है, जो मेमोरी स्ट्रेटजीज होती है, उसकी जो संग्रह सूचना को संग्रहित करने की, धारित करने की जो तरीके होते हैं इसमें दिए गए हैं, तो किस किस तरीके से चीज़ों को वो करता है। तो इसमें क्या है, पहला रिहर्सल को दोहराना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है व्यवस्थित करना, सी का मतलब कि कन्फर्मुलेशन का मतलब होता है बातचीत, और विस्तार का मतलब होता है एलेबोरेशन। देखिए, इसमें जो दोहराने की जो वृत्तियाँ होती हैं, धारण करने की जो वृत्तियाँ होती हैं याददाश्त के लिए, तो इसमें आपका रिहर्सल यानी दोहराते हैं, दूसरा है व्यवस्थित करते हैं, और तीसरा है विस्तार यानी एलेबोरेट करते हैं। तो इसमें कन्फर्मुलेशन या बातचीत करना ये आपका इसमें नहीं आएगा रिटेन करने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन है जो ए, बी और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग पैरा लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है कि जो नॉन वर्बल कह सकते हैं, जिसमें हम भाषीय चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं या भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें चीज़ें कौन कौन सी होंगी इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो वर्बल एक्सप्रेशन जो है ये आपका होता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट, आर्ट फैक्ट्स यानी कलाकृतियों का प्रयोग करना, रंगों का प्रयोग करना, ये आपका बी, सी और डी जो है ये पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग, यानी उद्यमशीलता के विकास से जो जुड़ी समस्याएं होती हैं, यानी उद्यमशीलता मैंने आपको बताया है कि जो काम मतलब कि कोई एक छोटा सा कोई उद्यम लगाता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और एक स्थापित करता है, उसमें क्या क्या जो है कौन कौन से उसकी जो समस्याएं होती हैं, किससे किसका सामना वो सबसे पहले करता है, तो ये चीज़ें आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपका है सबसे पहले कच्चे माल यानी प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की खरीद, और दूसरा है उत्पादों का विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग, मतलब जो आप माल बनाएगा उसके लिए उसकी विपणन यानी मार्केट होना चाहिए, और तीसरा है दूसरा आपका उद्गम देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोक्योरिंग ऑफ कैपिटल यानी ये मतलब कि पूंजी का उपार्जन भी होना चाहिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, बी और डी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका ये इसके पहले मैं आपको जो अभिकथन और कारण था इसमें से क्वेश्चन जो है बता चुकी हूँ। इसमें अब इसमें से जो आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं ये मैं आपको बताऊँगी। इसमें है आपका नेक्स्ट 48 से है, अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लानिंग अ रिसर्च प्रपोजल फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसिंग ऑफ एडोलसेंट्स गर्ल्स, यानी ये किशोर लड़कियों के पोषण संबंधी जो स्थिति होती है उसके मूल्यांकन के लिए एक अनुसंधान प्रस्ताव की योजना को सही क्रम में लगाना है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, यानी एक अनुसंधान करना उसके लिए क्या करें, सबसे पहले प्रक्रियाएँ करते हैं। इसमें देखिए, इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। अब इस सी से देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सेटिंग गोल एंड लिसनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी सबसे पहले हम गोल को
सेट करते हैं और उसके बाद गोल को सेट करने के बाद सूची उसकी बनाते हैं क्या क्या करना है। फिनिश आते हैं एफ, एफ का मतलब है सिलेक्टिंग रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, यानी इसमें क्या है, इसमें किशोर लड़कियों की जो अनियमित और प्रतिनिधि नमूनों का चयन करते हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि जो पोषण संबंधी स्थिति होती है उनकी, पहला कि जो पोषण संबंधी स्थिति होती है मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन किए जाने वाले पैरामीटर यानी जिससे मूल्यांकन करेंगे उसके पैरामीटर का निर्धारण करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं बी कि चयनित जो मापदंडों का आकलन करने के लिए उपकरण की तैयारी और सत्यापन करेंगे, यानी जो हमने उपकरण लिया है वो सही है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वो सूटेबल है कि नहीं है इसको करेंगे। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हमारा डी कि उपकरणों के प्रयोग से आंकड़े, यानी जो हमने आपका जो पैरामीटर लिया है उससे जो है जो टूल्स लिया है उससे हम क्या करेंगे, उपकरणों का प्रयोग से आंकड़े को या डाटा को हम इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि आंकड़ों का जब इकट्ठा कर लेते हैं उसका एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस करने के बाद फिर उसके बाद लास्ट में आता है कि जो परिणाम होते हैं उसका विवेचन और निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट का और लास्ट में उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका यही तीसरा सही है। नेक्स्ट आते हैं ICDS अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ ICDS प्रोग्राम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, यानी इसमें जो ICDS के जो प्रोग्राम के जो कार्यकर्ताएँ होते हैं उनमें उनके जो बढ़ते हुए अधिकारी होते हैं, यानी जो एक क्रम से अधिकारी जो बढ़ते हुए क्रम में होते हैं उनको एक क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, आंगनबाड़ी हेल्पर होते हैं, सबसे पहले सबसे निम्न पोस्ट पे आंगनबाड़ी हेल्पर होते हैं, उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं यानी हेल्पर उनके होते हैं, उसके बाद वर्कर होते हैं। फिर इसके बाद देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ये बी सही है यानी दूसरा सही है, इसी के अनुसार देखते हैं आंगनबाड़ी हेल्पर होते हैं, फिर आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं, फिर सुपरवाइज़र होते हैं, फिर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या DPO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं। तो ये छोटे से बड़े के क्रम में हैं, तो सबसे पहले आंगनबाड़ी वर्क हेल्पर, फिर वर्कर होते हैं, फिर सुपरवाइज़र होते हैं, फिर चाइल्ड CDPO होते हैं, लास्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसमें क्या है कि एक उन ओरिएंटेशन कार्यक्रम के चरणों को सही कार्यक्रम में लगाएं या एक सही मतलब कि एक सीक्वेंस में स्टेप में करना है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी जो संस्था होती है उस संस्था, देखिए इसमें ऑप्शन जो सही है इसमें आपका तीसरा सही है। अब इसी तीसरे के अनुसार देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी जो संस्था होती है उस संस्था सबसे पहले परिचय कराते हैं, उसके बाद बी आपका यानी रिव्यू ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस यानी नीतियों और अभ्यासों की समीक्षा की जाती है, फिर आपका डी आता है इसमें कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को जो रोजगार दस्तावेज होते हैं उसको पूरा किया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं एफ यानी नियोक्ताओं की उपेक्षा की समीक्षा की जाती है, यानी जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं उनकी क्या अपेक्षाएँ होंगी उस पर जो है विचार किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ई, ई आपका क्या इंट्रोडक्शन टू फेलो वर्कर यानी सहकर्मी जो उनके साथ काम करने वाले लोग होंगे फिर उनसे उनका परिचय होता है। फिर आता है आपका ई, ई है वो हो गया, उसके बाद ए आता है इंट्रोडक्शन टू यूनिट यानी जिस यूनिट्स में जहाँ पे काम करना वहाँ पे फिर होता है ओरिएंटेशन। फिर इसके बाद लास्ट में आता है जी यानी इंट्रोडक्शन टू जॉब, उसके बाद आपका जॉब यानी कार्य से परिचय कराया जाता है। तो ये एक स्टेप होता है कहीं भी मतलब एक शुरुआत में वर्क करने के लिए, तो पहले इंट्रोडक्शन संस्था से इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद पॉलिसी जो प्रैक्टिस क्या है यानी क्या नियम है क्या रूल है क्या नीतियाँ चलाई जाती हैं, उसके बाद आपका डी यानी एम्प्लॉयमेंट क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद आपका रिव्यू ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन क्या है उम्मीदें क्या हैं, उसके बाद आपका जो वो होते हैं कहने का मतलब जो फिर वर्कर वहाँ पे होते हैं उनसे परिचय होता है, फिर अरेंज इंट्रोडक्शन टू यूनिट यानी जो यूनिट बनाई गई यूनिट से परिचय होता है, फिर लास्ट में जॉब से परिचय या इंट्रोडक्शन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द कन्वेंशनल रिंग स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस में आपका सबसे पहले आपका आता है ये ओपनिंग यानी खोलते हैं, क्लीनिंग साफ करते हैं, ब्लेंडिंग मतलब उसको आपस में मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें वही क्रिया आएगी ओपनिंग क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग, फिर उसके बाद आपकी पिकिंग
पिकिंग मतलब उठाते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है कर्डिंग, उठाने के बाद उसको साफ़ शुद्ध कर दिया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है उसमें। उसके बाद आपका आता है बी यानी कम्बिंग, यानी इसमें छोटे और बड़े रेशे को अलग किया जाता है। फिर जी यानी ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, फिर उसको खींचा जाता है, उसको मतलब कि जो कम्बिंग करके उसको एक मतलब एक धागे का रूप दिया जाता है, तो उसमें ड्राइंग की जाती है। फिर आपका आता है रोविंग, रोविंग पे मतलब कि उठाना कह सकते हैं, उसको लपेटने की क्रिया होती है। उसके बाद ई लास्ट में आपका आता है स्पिनिंग की क्रिया। तो एक कने मतलब कि एक कन्वेंशनल रूप में रिंग जो स्पिनिंग प्रक्रिया होती है उसमें होता है ऐसा, ओपनिंग क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग, फिर आपका पिकिंग आता है, फिर उसके बाद आपका आता है कर्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग, रोविंग और उसके बाद लास्ट में स्पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द मेकिंग कलमकारी, यानी जो कलमकारी होती है प्रिंटिंग होती है उसमें कैसे क्या की क्रियाएँ की जाती हैं, ये है आपका। इसमें आपका पहला आता है नेचुरल ब्लीचिंग, यानी इसमें जो प्राकृतिक व्यंजन की जाती है इसमें। फिर उसके बाद आपका आता है मार्बलम उपचार किया जाता है। फिर आपका आता है डी यानी प्रिंटिंग की जाती है। फिर जी वॉशिंग एंड बॉइलिंग की जाती है। उसके बाद आपका आता है पेंटिंग यानी पेंट किया जाता है। फिर बी एलम ट्रीटमेंट मतलब उसमें फिटकरी से उसका उपचार किया जाता है। फिर लास्ट में उसकी धुलाई की जाती है। इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, नेचुरल ब्लीचिंग की जाती है, फिर आपका मार्बलम ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर डी आपका है प्रिंटिंग की जाती है, फिर जी है आपका वॉशिंग एंड बॉइलिंग की जाती है, फिर एफ पेंटिंग की जाती है, फिर लास्ट में आपका आता है बी एलम ट्रीटमेंट करते हैं, लास्ट में वॉशिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द प्रॉपर सिक्वेंस द स्टेज इन्वॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज, यानी ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। इसमें आपका है सबसे पहले कि समस्या की क्या करते हैं, सबसे पहले पहचान करते हैं, यानी किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेज होते हैं। तो सबसे पहले जो है समस्या की पहचान की जाती है, फिर उसके बाद है आपका ऑब्टेनिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उससे संबंधित सूचनाएं यानी जो समस्या संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग पॉसिबल कोर्स, यानी उसमें से जो संभव हो क्रिया के उचित क्रम को फिर स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद भी आपका आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स, यानी इसमें से जो उत्तम होता है उसमें से उसका चुनाव कर लेते हैं। तो ये है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेज। तो इसमें और भी बचे होंगे उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको